फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को सभी फॉलो करते हैं उनके स्टाइल और फैशन सेंस के लिए, लेकिन कभी कभी इनका स्टाइल ही इन पर भारी पड़ जाता है और ये हो जाता है ऊप्स मोमेंट, यानी शर्मिंदगी का शिकार। आइए देखिए उनके ऐसे ही ऊप्स मोमेंट पर। आलिया भट्ट का ये ड्रेस इतना पारदर्शी था कि सब आर पार नजर आ रहा था। ये एक इवेंट की तस्वीर है। परिणीति चोपड़ा अक्सर ऐसे मोमेंट्स का शिकार हो जाती हैं। हाल ही में उन्होंने बिना ब्रा के ही एक ड्रेस पहन लिया, जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया। इसके अलावा वो पहले भी इस तरह से ट्रोल हुई है जब उनकी ड्रेस फटी हुई थी और वो बेखबर घूम रही थी। प्रियंका चोपड़ा यूं तो अक्सर अपनी ड्रेस के लिए ट्रोल होती हैं, लेकिन निक के साथ वो एक बार इतनी पारदर्शी ड्रेस में नजर आई कि खुद भी अपने हैंडबैग से अपना बचाव करती नजर आई। लोगों ने तो यहां तक कह डाला कि बाकी अदाकाराओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हैंडबैग का इस तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। सोनम कपूर बेहद स्टाइलिश मानी जाती हैं और उनका फैशन सेंस सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन एक फंक्शन के दौरान वो अपने रिवीलिंग कपड़ों के कारण इतनी अनकंफर्टेबल नजर आई कि पूरे समय अपने कपड़े ही संभालती नजर आई। करीना हमेशा परफेक्ट लगती हैं, लेकिन एक इवेंट के दौरान उनके ब्लाउज ने उन्हें धोखा दे दिया और उसे फिक्स करना पड़ा। ऐश्वर्या राय वैसे तो शालीन कपड़े ही पहनती हैं, लेकिन उनके एक ड्रेस ने उन्हें ट्रोलर्स का शिकार बना दिया था। वो ड्रेस इतना छोटा था कि कार में बैठते समय वो बहुत ऊपर हो गया था। जब फोटोग्राफर्स उनके पिक्स लेने लगे तो उनके पति अभिषेक बहुत गुस्सा हो गए। कटरीना कैफ बेहद खूबसूरत है, लेकिन कभी कभी वो इतनी जोश में आ जाती है कि अपने कपड़ों तक का उन्हें होश नहीं रहता। कंगना बॉलीवुड की क्वीन है, लेकिन अक्सर अपने स्टाइल को लेकर ट्रोल होती रहती है। एक ड्रेस तो उनका इतना अजीब था कि जो नहीं दिखना चाहिए था वो भी दिख गया। जैकलीन यू तो परफेक्ट ही लगती है, लेकिन एक इवेंट के दौरान अपने जूतों के लेस बांधते समय उनका क्लीवेज इतना नजर आने लगा कि अपने पोज व घुटनों की मदद से वो उसे छुपा रही थी। अनुष्का शर्मा ने अपने ऊप्स मोमेंट को हमेशा ही आत्मविश्वास के साथ लिया। उनको पता है कि ग्लैमर वर्ल्ड का यह हिस्सा है। तो दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें।